जेनेटिक काउंसलिंग जो है यूजुअली दो सेशंस में होती है या दो हिस्से में बांटी जाती है। इसको हम बोलते हैं प्री टेस्ट जेनेटिक काउंसलिंग सेशन, जो पहला हिस्सा होता है, जिसका मतलब हुआ हम जेनेटिक काउंसलिंग के लिए आपसे मिलते हैं आपकी जेनेटिक की जांच होने के पहले। और दूसरी सेशन या दूसरा हिस्सा होता है पोस्ट टेस्ट जेनेटिक काउंसलिंग सेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम आपसे मिल रहे हैं आपकी जेनेटिक की जाँच होने के बाद। जो पहली वाली सेशन होती है, पहला हिस्सा होता है, उसमें हम अक्सर आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स पूछेंगे, आपके परिवार के बारे में पूछेंगे, हम फैमिली हिस्ट्री या जिसको हम बोलते हैं पेडिग्री बनाते हैं, जिसमें हम आपके तीन जनरेशन की पेडिग्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन पूछते हैं। तो आपके बारे में, आपके बच्चे, आपके भाई बहनों के बारे में, आपके माता पिता, आपके मौसा मासी, चाचा चाची, इनके बारे में जानकारी लेते हैं, ये देखने के लिए कि क्या परिवार में और लोग हैं जिनको ऐसी कोई बीमारी की संभावना है, या हम देख रहे हैं कि किसी और में कोई आशंका हो सकती है कि उनकी जेनेटिक की बीमारी हो। और इसके साथ साथ हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके की जेनेटिक सेशंस, जेनेटिक टेस्टिंग हो सकती है, क्या हम इस आनुवांशिक बीमारी को किस तरीके से जान सकते हैं या परख सकते हैं आपके परिवार में। जब हम आपसे मिलते हैं पोस्ट टेस्ट, मतलब आपके जेनेटिक की रिपोर्ट्स आने के बाद, उस वक्त हम यूजुअली आपसे बात करते हैं आपके रिपोर्ट्स के बारे में कि ये रिपोर्ट्स में हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या हमें कोई आनुवांशिक बीमारी दिख रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। या कई बार जो है जेनेटिक के रिपोर्ट्स में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है पर उससे बीमारी होती है या नहीं, ये हमें इस वक्त समझ में नहीं आती। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करते हैं, आपको बताते हैं कि आगे चल के आपके डॉक्टर्स के साथ आपको क्या किस तरीके की जांच करनी है या टेस्टिंग करनी है, या अगर कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जानी है तो उसकी हम रेफरल करते हैं। और उसके साथ साथ कई बार हम परिवार को बाकी परिवारों के साथ मिलाते हैं जिनमें उसी तरीके की कोई आनुवांशिक बीमारी हो। तो ओवरऑल जो जेनेटिक काउंसलर्स हैं, हम ट्राई करते हैं कि आपको हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाए और आपको सही इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सही डॉक्टर्स के साथ भी हम आपकी कंसल्टेशन करा पाए। थैंक यू।